सबसे पहले तो हरितालिका तीज महोत्सव के अवसर पर आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं स्वामी रामदेव जी का और आचार्य बालकृष्ण जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया, क्योंकि यहां मुझे दो चमत्कार देखने को मिले। जो नेपाली समाज है, गोरखाली समाज है, इनको मैं जानता था पराक्रम के लिए, शौर्य के लिए, वीरता के लिए। आज मैंने इनको पहचाना गीत के लिए, संगीत के लिए, मस्ती के लिए। जिस समाज में शौर्य का, पराक्रम का, संगीत का, गीत का, नृत्य का, मस्ती का ऐसा संगम हो, उसे दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। ये त्यौहार महिलाएं मनाती हैं पति की मंगल कामना के लिए। मैं ऋतु जी से कह रहा था कि अब तो जमाना बदल गया है, अब तो महिलाएं चांद पर चंद्रयान भेजती हैं। मैं ये तो नहीं कहता कि आप अपने पति को चंद्रयान में बिठा के चांद पर भेज दो, लेकिन अब जमाना यह है कि पति को पत्नी के साथ मिलकर कदम बढ़ाना चाहिए। और जिस महिला के एक हाथ में थाली है, दूसरे हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए। अगर आपके एक हाथ में मेहंदी लगी है तो दूसरे हाथ में स्मार्टफोन भी होना चाहिए। ये बदलते जमाने का तकाजा है। पति और पत्नी एक टीम की तरह साथ मिलकर आगे बढ़ें, एक दूसरे की प्रगति में उनको खुशी हो। और मेरी भगवान शिव से प्रार्थना है, जो मुस्कुराहट आपके चेहरे पर आज दिखाई दे रही है, जो उत्सव का माहौल आपके जीवन में आज है, आपके जीवन के हर क्षण में, हर पल में इसी तरह का उत्सव हो, इसी तरह की खुशहाली हो, ये मेरी शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद।